स्वागत है आपके अपने चैनल वेज नॉन वेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लौकी और चने दाल की सब्जी। जानने के लिए बने रहे इस पूरी वीडियो के साथ। अब हम लौकी को छील के काट लेते हैं। लौकी को अब छील लेते हैं। अभी फास्ट नहीं करने का। अब हम इसे छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। जी हाँ, अब हम इसे छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। ये है हमारी चने की दाल जो हमने आधे घंटे पहले भिगा के रखी थी। ये है हमारी लौकी जो हमने धो के रखी है। और ये है हमारा चना दाल जो हमने आधे घंटे पहले भिगा के रखी थी। जीरा, अब हम इसे 10 मिनट तक भून चुके हैं और 10-15 मिनट और इसे भूनेंगे ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। और इसे बीच बीच में चम्मच चलाते रहें जब तक ये पानी ना छोड़ दे, तब तक चम्मच चलाते रहें। अब हम इसमें चना दाल को डाल देंगे जो हमने भिगा के रखा था और इसे अच्छे से चम्मच चला देंगे। एक मिनट अच्छे से उसे चम्मच चला के चना दाल डालने के बाद, और आप देख सकते हैं इस ये लौकी अब पानी छोड़ने लगा है। अब हम पहले इसमें अदरक का पेस्ट डाल देंगे। एक चम्मच उसके बाद हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, वो भी एक चम्मच। और अच्छे से इसे मिला देंगे। अब हम इसमें मिर्ची डाल देंगे। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे। अब धनिया पाउडर डाल देंगे। अब अच्छे से इसे मिला देंगे।
और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। उसके बाद इसे 10 मिनट तक और पकाएंगे। अब हमारा लौकी और चना दाल की सब्जी रेडी हो चुकी है। आप इसे रोटी या चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।